तो दोस्तों टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म स्क्रू ढीला का टीजर रिलीज हो गया है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म के 3 मिनट के टीजर में टाइगर श्रॉफ ताबड़तोड़ एक्शन करते नजर आ रहे हैं। करण ने अपने इंस्टाग्राम पर टीजर शेयर करते हुए लिखा, आ रहा है मनोरंजन का सॉलिड पंच। स्क्रू ढीला में टाइगर श्रॉफ को लाकर मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। इसे शशांक खेतान डायरेक्ट करेंगे। एक्शन की इस दुनिया में सब कुछ नया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि फिल्म कब रिलीज होगी। बता दें फिल्म में टाइगर के साथ साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आने वाली है। टाइगर द्वारा शेयर टीजर पर फैंस के साथ सेलेब्स भी कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले टाइगर की मां आयशा श्रॉफ ने कमेंट करते हुए दिल और आग वाले इमोजी शेयर किए। इसके अलावा ज्यादातर टाइगर के एक्शन और स्टाइल की तारीफ की गई है। बात अगर टीजर की करी जाए तो इसकी शुरुआत में एक शख्स टाइगर को पंच मारता नजर आ रहा है और टाइगर भी शराफत में पंच खाते दिखाई दे रहे हैं। फिर उन्हें कुछ ऐसा दिखता है कि वो गुस्सा हो जाते हैं और अगले ही पल गुंडों की धड़ाधड़ धुलाई करने लगते हैं। उनके एक्शन और पंच देखने लायक है। फाइट के दौरान वे अपना शर्ट तक उतार कर फेंक देते हैं। बता दें कुछ महीने पहले रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया की फिल्म हीरोपंती 2 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। बात उनकी अपकमिंग फिल्म की करो तो कृति सैनन के साथ गणपत में नजर आएंगे। इसके अलावा वे बागी 4 में दिखाई देंगे। वहीं वे अक्षय कुमार के साथ बड़े मियां और छोटे मियां में भी काम करते हुए दिखाई देंगे। तो देखना दिलचस्प होगा आने वाले टाइम में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना तहलका मचाती है। आपकी इसके बारे में दोस्तों क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।